बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम बनाएंगे नमकीन मटन रोस्ट। उम्मीद है कि आपको भी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ना इसमें कोई स्पाइसेस डले हैं ना कुछ और। तो उसके लिए हमें ना मटन को मैरिनेट करना पड़ा है, सादा उसको धोया है और धो के अब बस इसको प्रेशर कुकर में हम डालेंगे। जी, प्रेशर कुकर में इस तरीके से इसको ज़रा सेटिंग करके इसकी रख लेते हैं। जी, इतने गोश्त के लिए हमने ये 1 चम्मच नमक ले लिया, काफ़ी होगा ये। तो इसको इसमें डाल दिया और इसके साथ इसमें हमने ये 1 गिलास पानी डाल दिया। पानी को इस तरह से डाला कि नमक के ऊपर ऊपर से वो हो जाए। और अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं। प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया और फ्लेम ऑन कर दिया। इसकी विसल रख दी। अब इसको हमने, जब इसकी सीटी स्टार्ट होगी तो 5 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर देना है। जी, जितना टाइम हमारा मटन जो है गल रहा है, उतनी देर में हम ये लहसुन थोड़ा सा मैंने छील लिया और इसको इस तरह से छुरी की मदद से थोड़ा सा इसको दबाना है। इतना दबाना है कि ये थोड़ा सा बीच में से नरम हो जाए, लेकिन अलग अलग नहीं हो। जी, ये लहसुन भी हो और ये विसल भी 5 मिनट हो गए थे, इसको अब मैंने बंद कर दिया। अब इसका इसी तरह से हम प्रेशर रिलीज होने देते हैं, उसके बाद इसको खोलते हैं। जी, अब हम प्रेशर खोल लेते हैं। ये देखें, जी इसको सारे को निकाल लेते हैं हम। जी, ये देखें, ये निकाल लिया। ये थोड़ी सी यखनी बच गई, यखनी किसी और चीज़ में काम आ जाएगी, तो अभी तो हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं इसकी। अब हमने ये एक पैन ले लिया, इसमें फ्लेम हमने ऑन कर लिया मीडियम। अब हम इसमें ये थोड़ा सा बटर डाल देंगे। ये बटर गरम हो रहा है और इसके साथ अब हम इससे ये अपना मटन रख देते हैं। और इसके साथ हमने ये जो लहसुन किया था उसको भी डाल देते हैं। इसको हल्का सा हमने दबाया था ताकि जो खुशबू और जायका है वो निकल आए। इसको 1 मिनट तक हम एक साइड को कुक होने देते हैं, उसके बाद हम इसकी साइड पलटेंगे। फ्लेम हमने थोड़ा लो कर ली। इस तरह से कुक होना शुरू हो गया और ये जो लहसुन है इसकी भी हम साइड पलट देते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा बटर और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये काफ़ी लग रहा है। जो लहसुन है ये तकरीबन हो गया, इसको हम उठा के इधर रख देते हैं ऊपर ताकि ज़्यादा ना जल जाए। बाकी जो मटन है उसको हम होने देते हैं ऐसे। ये तकरीबन कुक होने वाला है, तो अब इसके हमने ये थोड़ी सी मिक्स हर्ब है ये डाल दी। अब
दोबारा से इसकी साइड पलट लेते हैं। इस तरह की शक्ल होगी तो वो हमारे मतलब मेयार के मुताबिक होगा। इसको सारे को इस तरह का होने देते हैं। अभी ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मटन रोस्ट तैयार हो गया नमकीन। तो आप चाहें तो आप इस पे ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया और मैंने इसकी बजाय इस पे थोड़ी सी काली ग्रीन चिली कटिंग करके रख ली है। तो उम्मीद है कि आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी है। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।